दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, यानी आप चाहो अपने YouTube के एक से ज्यादा चैनल पर लाइव करना, या फिर आप चाहो YouTube और Facebook पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना, या फिर आप चाहते हो YouTube, Facebook और Instagram पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले जब हम OBS स्टूडियो से मल्टी स्ट्रीमिंग करते थे तो उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होती थी। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये मल्टीपल आउटपुट वाली प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखी है, लेकिन इस प्लगइन को इंस्टॉल करना, इसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी मल्टी आरटीएमपी वाली ये प्लगइन काम ही नहीं कर रही है। आज के वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, ऐसी प्लगइन बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। इसे यूज करना बहुत ही आसान है और बिल्कुल स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक साथ कर पाओगे। इसका डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करके इस प्लगइन को अपने OBS में इंस्टॉल कर लेना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आपको एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके आगे एरो आ रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी स्ट्रीम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, मल्टी स्ट्रीम फॉर OBS 30+। तो यहां पर आपको एक डाउनलोड मल्टी स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये प्लगइन पूरी तरह से फ्री है, तो सबसे पहले आपको यहां से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड मल्टी स्ट्रीमिंग पर हमें क्लिक कर देना है। ऊपर की साइड राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो यहां पर एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर कुछ लाइसेंस इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब डिटेल आपको यहां देखने को मिलेगी। सिंपल आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। आपको ये चेक कर लेना है कि ये वाली जो प्लगइन है OBS स्टूडियो वाले फोल्डर में ही सेव होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो ये प्लगइन हमारे OBS स्टूडियो के अंदर अब इंस्टॉल हो चुकी है। यहां पर फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर OBS स्टूडियो के अंदर हमारी ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। इस प्लगइन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इससे लाइव स्ट्रीमिंग करना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अब आपको अपने OBS स्टूडियो को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करना है। उसके बाद यहां आप देख रहे हैं डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहां पर एटम मल्टी स्ट्रीम के नाम से आप देख सकते हैं ये प्लगइन इसके अंदर आ चुकी है, एटम मल्टी स्ट्रीम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो मेन कैनवास करके यहां पर शो हो रहा है। अब इसे साइड में आप कहीं पर भी लगा सकते हो। मान लो इस साइड में यहां पर लगा दे रहा हूं, तो यहां पर पहले से ही आप देख रहे हो मेन कैनवास। मेन कैनवास हमारा क्या होता है, ये हमारा जो लैंडस्केप में चल रहा है ये हमारा मेन कैनवास है। तो यहां पर ये जो बिल्ट इन स्ट्रीम है, पहले से ही इसके अंदर एक बिल्ट इन स्ट्रीम का ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो ये बहुत ही कमाल की प्लगइन है। यहां पर आप देख रहे हैं वर्टिकल कैनवास का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ करना, जैसा कि मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना रखी है, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो कि इस प्लगइन को इस्तेमाल करके कैसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ कर सकते हो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहां पर नीचे आप देखोगे यहां पर एक सेटिंग का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यह है इसकी जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं मेन आउटपुट आपको क्या रखना है, तो यहां से आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हो। वर्टिकल आउटपुट क्या रखना है, हेल्प का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा सपोर्ट एटम का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको आउटपुट ऐड करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए यहां पर ऐड आउटपुट का ऑप्शन दिया गया है। ऐड आउटपुट पर जब आप क्लिक करोगे, अब आपको यहां पर ट्विच, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक या अदर कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। मैं यहां पर सिलेक्ट कर लूंगा फेसबुक। मैंने यहां पर फेसबुक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जाना है अपने फेसबुक पेज पर। मैंने अपना ट्रायंगल गेमर नाम का एक पेज है, इसे मैंने ओपन कर लिया है। और उसके बाद यहां पर आपको एक लाइव वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको इनमें से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, गो लाइव पर क्लिक कर देना है। गो लाइव पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहां पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक वेबकैम का ऑप्शन दिखेगा, एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिखेगा। स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको स्ट्रीम की दिखाई देगी, स्ट्रीम की को आपको यहां से कॉपी कर लेना है। उसके बाद वापस जाना है आपको अपने OBS स्टूडियो पर। यहां पर आप देख रहे हो फेसबुक सर्वर, ये पहले से ही इसके अंदर दिया गया है, आपको यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको फेसबुक स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपको अपनी स्ट्रीम की, फेसबुक वाली स्ट्रीम की यहां पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्रिएट आउटपुट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहां पर फेसबुक आउटपुट का
क्रिएट हो गई, लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो या आप अपने यूट्यूब के किसी दूसरे चैनल पर लाइव करना चाहते हो तो वो भी यहां से आप ऐड कर सकते हो। यहां ऐड आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहां से यूट्यूब सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो यूट्यूब सर्वर पहले से ही यहां पर सिलेक्ट हो रखा है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो यूट्यूब स्ट्रीम की, अब हमें अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहां से स्ट्रीम की ले लेनी है। तो यहां पर मैंने अपना एक दूसरा ट्रायंगल गेमर नाम से एक मैंने डमी यूट्यूब चैनल बना रखा है इसी के लिए, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको यहां प्लस का बटन दिख रहा है, क्रिएट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको गो लाइव पर क्लिक करना है। जब आप गो लाइव पर क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाते हो। यहां पर आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको अपना टाइटल दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है, सारी डिटेल यहां पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आपको अपना अपलोड थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आपको अपना कोई भी थंबनेल ऐड कर देना है। जो भी थंबनेल आप देना चाहो वो थंबनेल आपको यहां से ऐड कर लेना है। सारी सेटिंग आपको करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां से आपको अपनी प्राइवेसी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप इसे प्राइवेट रखना चाहते हो, अनलिस्टेड रखना चाहते हो या मेंबर्स ओनली के लिए रखना चाहते हो, ये सब आपको यहां सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे अनलिस्टेड पर क्लिक कर देता हूं। ये सब सेटिंग करने के बाद हमें यहां पर डन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर इस साइड आप देखोगे तो यहां पर आपको एक स्ट्रीम की दिखाई देगी, ये आप देख रहे हैं स्ट्रीम की। इसके आगे यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, कॉपी पर क्लिक कीजिए, स्ट्रीम की हमने कॉपी कर ली है। उसके बाद सिंपल आपको वापस जाना है अपने OBS स्टूडियो पर। तो YouTube से जो हमने स्ट्रीमिंग की कॉपी की थी उसे हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट आउटपुट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो एक हमारे फेसबुक की स्ट्रीम यहाँ क्रिएट हो गई, एक यूट्यूब की स्ट्रीम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने अपना फेसबुक पेज ऐड कर दिया और एक यूट्यूब का पेज यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह से आप और भी आउटपुट ऐड करना चाहो वो यहाँ ऐड आउटपुट पर क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको एक एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से मेन एनकोडर वगैरह ये सिलेक्ट कर सकते हो कि वीडियो एनकोडर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आप एरो के आगे क्लिक करके यहाँ से आप अपना ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पर NVIDIA NVENC264 ये सिलेक्ट कर लेता हूं, जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है ये मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां से आप FPS सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी हमारा 60 FPS है, मैं इसे 30 FPS पर सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके अलावा डाउन स्केल फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रेट कंट्रोल हमें CVR रखना है, बिट रेट यहां से आप सेट कर सकते हो, मैंने 2500 kbps कर रखा है, की फ्रेम हमने 0 रखा है, प्रीसेट ये रखा है, जो सारी सेटिंग आपको यहां पर ये कर लेनी है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर ये सेटिंग करने के बाद अब जो हमारा YouTube आउटपुट हमने यहां पर ऐड किया था, इसके आगे भी एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहां पर भी हमें सेम सेटिंग कर देनी है, जो हमारा ऑडियो एनकोडर है वो हमें क्या रखना है, वीडियो एनकोडर हमें क्या रखना है, यानी सारी सेटिंग्स आपको यहां देखने को मिल जाती है। CVR बिटरेट वगैरह सब आपको यहां से एक बार सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारी सेटिंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो जैसे आप देख रहे हो फेसबुक आउटपुट, मुझे इसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारी फेसबुक के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहां पर ये ग्रीन कलर से आने लगा। इसी तरह से यूट्यूब आउटपुट पर भी मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। तो अब हमारे दोनों प्लेटफॉर्म पर जो हमने यहां पर किए थे उनके ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये ग्रीन कलर में आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले चलते हैं अपने फेसबुक पेज पर और देखते हैं ये लाइव हमारी स्टार्ट हुई भी है या नहीं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो ये हमारा फेसबुक पेज हमारा ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं फेसबुक पर जो हमारे OBS स्टूडियो का आउटपुट था यहां पर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हो फेसबुक के ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद वापस चलते हैं अपने यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर और वहां देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हो, एक बार इसे मैं यहां पर रिफ्रेश कर देता हूं। तो यहां पर अब आप देख सकते हो हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर भी ये फुटेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। गो लाइव पर हमें क्लिक कर देना है तो YouTube के ऊपर हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर अब आप देख सकते हो हमारे YouTube और Facebook के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब भी आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो यहां पर इसके ऊपर एक बार फिर से क्लिक कर दोगे तो ये स्ट्रीम यहां से स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से यहां से भी आप इसे स्टॉप कर सकते हो। अगर आपका इस प्लगइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, OBS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।